चंद्रयान तीन को बात की जा रही है तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया। आग की लपटें, धुएं का गुबार, आसमान को चीरता इसरो का बाहुबली। ये तस्वीर अंतरिक्ष में भारत की लंबी छलांग की गवाही है। ये तस्वीर इसरो की अथक मेहनत का सबूत है। ये पल गवाह है उस सफलता का जिसका सपना सिर्फ इसरो ने नहीं बल्कि हर भारतवासी ने देखा है। भारत के चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पर लॉन्च कर दिया गया और इस पल को देशवासियों के साथ दुनिया ने भी अपनी आंखों में कैद किया। चंद्रयान 3 की शानदार लॉन्चिंग को स्कूलों के करीब 200 छात्र छात्राओं ने स्पेस सेंटर से देखा। चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग के बाद कई स्तरों पर काम करेगा। इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा, चांद की सतह पर उतरेगा रोवर, लूनर साउथ पोल में होगी पोजीशनिंग, चांद पर खनिज पानी की खोज करेगा रोवर, 40 दिन में चांद पर पहुंचेगा चंद्रयान। चंद्रयान 3 के लॉन्च पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूँ। चंद्रयान 3 मिशन के सबसे बड़े जोखिम ये है कि मिशन का नियंत्रण कंप्यूटर के पास है, 4,00,000 किलोमीटर दूर से कंट्रोल संभव नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद पर निर्भर, चांद पर कोई जीपीएस नहीं। अब पूरे देश की नजरें चंद्रयान 3 की पूर्ण सफलता पर टिकी हैं। चांद पर यान सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाता है तो वो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद इस सूची में चौथा देश बन जाएगा। भारत चुनिंदा देशों की एलीट लिस्ट में शामिल हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और देश भर में पकड़े गए आईएसआईएस के